Hi guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshul Mittal and in this video I will be covering a third part of ACCA F3 chapter number 3. तो भी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में मैंने सिर्फ एक बताया था कि बिजनेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्रीज कौन कौन सी होती हैं. सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि हाउ टू डू अ जर्नल एंट्री. हम जर्नल एंट्री कैसे करते हैं वो मैं यहाँ पे बताऊंगा. ठीक है, तो सबसे पहले लेट मी जस्ट मेक यू गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ जर्नल एंट्री. जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ कि फॉर एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन वी हैव टू डू अ जर्नल एंट्री. हर बिजनेस ट्रांजैक्शन की एक जर्नल एंट्री होती है. ऑल्दो अभी तक हमने करी नहीं है, हमने इसमें ये देखा है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद, आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन, हम उसको बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री में देखते हैं कि कौन सी बुक में वो आएगा. लेकिन फॉर एवरी ट्रांजैक्शन देर इज अ जर्नल एंट्री. अब वो जर्नल एंट्री हम कैसे बनाते हैं, कैसे फ्रेम करते हैं? तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में एक फॉर्मेट बताया था कि हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है डेबिट समथिंग अकाउंट और यहाँ पे अमाउंट आता है एंड देन क्रेडिट समथिंग अकाउंट. डेबिट समथिंग अकाउंट एंड क्रेडिट समथिंग अकाउंट, ये हमारा फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री का. अब डेबिट क्या करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, उसके लिए अकाउंट्स में कुछ रूल्स बने हैं, बट मैं वो रूल्स नहीं बताऊंगा. वो रूल्स पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. सिंपल हमें इसका तरीका पता होना चाहिए कि कैसे हम चीज़ को डेबिट या क्रेडिट लिखेंगे. अब सबसे पहले मैं तुम्हें इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ. इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये एंट्री बनी कैसे कि डेबिट समथिंग क्रेडिट समथिंग. ये ऐसे बनी कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं. फॉर एवरी ट्रांजैक्शन देर आर टू इफेक्ट्स. ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जिसका सिंगल इफेक्ट होगा. हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे ही होंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं राहुल से कैश रिसीव कर रहा हूं, इफ आई एम रिसीविंग कैश फ्रॉम राहुल, सो देयर कैन बी टू थिंग्स. या तो राहुल को पहले मैंने क्रेडिट पे कभी सेल करी होगी, वो वाले पैसे मुझे आने थे, है ना. या फिर हो सकता है कि राहुल से मैंने लोन लिया हो. ऐसे तो नहीं है ना राहुल आएगा मेरे को कैश दे के चला जाएगा और उसका सेकंड इफेक्ट होगा ही नहीं. या तो ये पैसे मुझे राहुल को वापस करने होंगे, या पहले कभी राहुल को क्रेडिट सेल्स करी होंगी जिसके वो पैसे दे रहे हैं, या देयर कैन बी समथिंग एल्स. बट ऐसा कभी नहीं होगा कि राहुल आया पैसे दे के चला गया. ठीक है, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते ही होते हैं. ये अभी इस जर्नल एंट्री के बाद हमारा टॉपिक आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन, वहां से हम क्लियर करेंगे. उसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वहां से चीजें क्लियर हो जाएगी. ठीक है, सो अब इसके जो मैं बता रहा था रूल्स, तो इसके रूल्स क्या होते हैं? मैंने वैसे पहले एक रूल बताया हुआ है, बस ये दो रूल्स तुम्हें याद रखने हैं, तुम्हारी सारी जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी. और वो रूल्स क्या हैं? पहला रूल है कैश आया तो डेबिट होगा कैश, और कैश गया तो क्रेडिट होगा. कैश अगर हमें रिसीव हुआ है या चेक रिसीव हुआ है जैसे बैंक, तो हमेशा कैश या बैंक को डेबिट करेंगे. अगर कैश गया, हमने किसी को दिया, तो कैश को क्रेडिट करेंगे. और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. डेबिट करेंगे हम सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. डेबिट करेंगे हम सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट करेंगे सारे इनकम्स एंड गेन्स. ठीक है, कैसे? अब ये चीज कैसे होगी? एग्जाम्पल, सबसे पहला अगर मैं बोलता हूं ए कैश रिसीव फ्रॉम राम 10,000. राम से मुझे 10,000 रुपीज कैश आया, तो जर्नल एंट्री विल बी, अब कैश रिसीव हुआ है, कैश आया है, तो हम कैश को डेबिट करेंगे. तो डेबिट कैश अकाउंट 10,000 हमें कैश आया है, क्रेडिट कहाँ से आया है? राम से.
तो क्रेडिट राम अकाउंट 10,000। दिस इज हाउ द जर्नल एंट्री इज डन। अब ऐसी केस नंबर बी, कैश पेड टू सुरेश 20,000। सुरेश को मैंने 20,000 पे करा है, तो कैश गया है, तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कैश, तो डेबिट किसको पैसे दिए हैं मैंने, सुरेश को, तो डेबिट सुरेश अकाउंट 20,000, क्रेडिट कैश 20,000। और याद रखना हमेशा डेबिट पहले आएगा, क्रेडिट बाद में, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले क्रेडिट लिख दो बाद में डेबिट, हमेशा फॉर्मेट यही रहता है कि पहले डेबिट होगा बाद में क्रेडिट। दिस इज योर जर्नल एंट्री फॉर कैश रिसीट एंड पेमेंट। अब जैसे मैं एक और चीज बोलता हूं, सैलरी पेड, मैंने सैलरी पे करी है, सैलरी पेड, या चलो और लिखते हैं क्लियर, सैलरी पेड टू श्याम, मैंने श्याम को सैलरी पे की है 30,000 रुपीज की। तो पहला लॉजिक क्या है, कैश, कैश गया है तो कैश क्रेडिट होगा, क्रेडिट कैश अकाउंट 30,000, और मैंने शाम को पैसे दिए हैं, किस चीज के दिए, सैलरी के, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब मैंने जो दिया है वो क्या दिया है, सैलरी दी है शाम को, सैलरी इज अ एक्सपेंस, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में जब एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस इनकम बताया था वहां मैंने क्लियर कर दिया था कि एसेट क्या होते हैं, एक्सपेंस क्या होते हैं, तो सैलरी मैंने एक्सपेंस करा है, तो वेन एवर वी डू एनी एक्सपेंस तो हमेशा एक्सपेंस का नाम आएगा, पर्सन का नाम नहीं आएगा, तो वी विल राइट डेबिट सैलरी अकाउंट 30,000, क्रेडिट कैश। ठीक है, जब भी हम सैलरी पे करेंगे तो सैलरी खर्चा है, तो खर्चे का नाम यानी सैलरी आएगा, पर्सन का नाम जिसको पेमेंट करी है उसका नाम नहीं आएगा। और ऐसे डी पॉइंट अगर मैं बोलता हूं कि कमीशन रिसीव्ड 40,000, मुझे कमीशन 40,000 रिसीव हुआ है, तो पहला रूल कैश आया है तो कैश को डेबिट करेंगे, डेबिट कैश अकाउंट 40,000, और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो क्रेडिट कर दूंगा मैं अपनी इनकम, दैट इज कमीशन, कमीशन अकाउंट 40,000। सो दिस विल बी दी जर्नल एंट्री, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट। इसके बेस पे तुम मोस्ट ऑफ दी एंट्रीज अपनी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जब चैप्टर के साथ साथ धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो विल सी कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं, तो यहां पे यू कैन पॉज एंड हैव अ लुक एट दीज एंट्रीज अगेन। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। सो अब मैंने तुम्हें बताया था कि बुक्स में हमारी होती हैं बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, एक होती है सेल्स डे बुक, एक सेल्स रिटर्न, एक परचेज, एक परचेज रिटर्न, एक कैश बुक, एक पेटी कैश बुक। तो पॉइंट इज, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमारी होती हैं पहले हम इन सब में देखते हैं कहाँ कहाँ आएगी, और जो ट्रांजैक्शंस इन सब में नहीं आती वो आती है जर्नल में, और दोज आर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। नॉर्मली हर एंट्री, हर ट्रांजैक्शन की हम जर्नल एंट्री करते हैं, बट फॉर द पर्पस ऑफ ACCA हम ये मानेंगे कि सबसे पहले हम हर ट्रांजैक्शन को प्राइमरी बुक में लिखते हैं और बुक के बाद जर्नल एंट्री करते हैं, वो मैंने हर बुक के साथ जर्नल एंट्री करवा दी थी। ठीक है, सो अ जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री विच रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रूटीन एंड नॉट रिकॉर्डेड इन एनी अदर प्राइमरी एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले इसमें है ईयर एंड एडजस्टमेंट, तो ये होती है हमारी ईयर एंड एडजस्टमेंट जो हम हर साल करते हैं, तो मैं एक एक करके सारी एडजस्टमेंट बताता हूँ, जो यहाँ पे पढ़नी है वो यहाँ करेंगे, जिसका अलग से चैप्टर है वो तब करेंगे। सबसे पहले आता है डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। अब डेप्रिसिएशन क्या होती है, ध्यान से सुनना, डेप्रिसिएशन इज, फॉर एग्जाम्पल तुमने एक कार परचेज करी, यू परचेज द कार वर्थ 10 लाख रुपीज, एक साल बाद अगर तुम इस कार को सेल करोगे मार्केट में, तुम सोचो ये कार तुमने ली और एज इट इज नई की नई खड़ी है, तुमने एक दिन भी नहीं चलाई,
स्टिल अगर तुम उसको एक साल बाद बेचोगे तो क्या ये 10 लाख की बिकेगी? नहीं, इट विल बी सोल्ड एट अ लेसर प्राइस, मे बी हो सकता है 8 लाख की या 8.5 लाख की या 7 लाख की, कोई भी प्राइस हो सकता है। सो जो इसकी ये वैल्यू गिरी है फॉर दैट 1 ईयर, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन सिंपली मीन्स किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू का गिरना। याद रखना, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट मैंने तुम्हें बताए थे तब क्या होते हैं, जैसे बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, और हमारे बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, व्हीकल, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, दीज ऑल आर फिक्स्ड एसेट्स जो हम बिजनेस में अपने पास रखते हैं फॉर लॉन्गर टर्म। तो डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, हर साल हमारे एसेट की वैल्यू गिरती है। तो अगर मान लो एसेट मेरा स्टार्टिंग में था 1 10 लाख का, एक साल बाद इसका प्राइस रह गया 8 लाख, तो मेरे को बुक्स में प्राइस तो अपडेट करना पड़ेगा कि 10 की 8 की वैल्यू रहेगी। अब ये जो 8 की वैल्यू रह गई है, हाउ डू आई शो दिस इन दी बुक्स, इसको बुक्स में कैसे शो करूं? एसेट तो मेरे पास ही है, एसेट तो बिका नहीं है, मैं तो नहीं बोल सकता कि एसेट को मैंने बेच दिया, है ना? ना मैंने जो ये 2 लाख वैल्यू गिरी है, क्या मेरी जेब से पैसे गए हैं इसके? नहीं गए ना। अभी तो सिर्फ तुम्हारे पास 10 लाख तुमने एक साल पहले खर्चा था, आज की वैल्यू उसकी 8 लाख है, कोई 2 लाख तुमने जेब से नहीं दिए। सो दीज आर कॉल्ड ईयर एंड एडजस्टमेंट, मतलब इसमें कोई भी कैश इन्वॉल्व नहीं होता, नो कैश पेमेंट और रिसीट इज इन्वॉल्व्ड। इसमें कोई भी कैश पेमेंट और कैश रिसीट इन्वॉल्व नहीं होता, ये सिर्फ एडजस्टमेंट्स है जो हम कुछ चीज़ों की करते हैं। सो डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, इसकी जो हमारी जर्नल एंट्री होती है दैट विल बी डेबिट डेप्रिसिएशन अकाउंट, जितनी भी एसेट की वैल्यू गिरी है, क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये याद रखना, इसकी जर्नल एंट्री होती है डेबिट डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अभी के लिए तुम सिर्फ इतना सोचो, इससे ज़्यादा डीप नहीं जाना। ऑलरेडी वी हैव अ चैप्टर फॉर डेप्रिसिएशन जहाँ पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तुम्हें सिर्फ जर्नल एंट्री याद करनी है, ये एंट्रीज तुम्हें याद करनी पड़ेंगी सारी। अब डेप्रिसिएशन मैंने डेबिट क्यों किया? मैंने एक रूल बताया था तुम्हें कि जो भी हमारा नुकसान होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट की वैल्यू का गिरना। तो अगर एसेट की वैल्यू गिरेगी मतलब हमारा नुकसान हो रहा है, तो इसीलिए हम डेबिट कर देंगे वो नुकसान यानी डेप्रिसिएशन, क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों करते हैं ये मैं उस चैप्टर से बताऊंगा। सो दिस इज डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। उसके बाद होता है हमारा पॉइंट इररिकवरेबल डेट रिटर्न ऑफ। इररिकवरेबल डेट रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? सोचो देयर वाज अ पर्सन ए जिससे तुम्हें 1 लाख रुपए आने थे, लेकिन ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट होने का मतलब क्या होता है कि इसके सारे पैसे खत्म हो गए, अब इसकी एस्टेट से कुछ नहीं तुम्हें मिलेगा। कोर्ट ने भी बोल दिया कि ये बंदा इंसॉल्वेंट है, अब यहां से कुछ नहीं आने वाला। अब तुम्हें पता है कि उस बंदे का दिवालिया निकल चुका है, वहां से कुछ नहीं आएगा। सो दैट मीन्स तुम अपनी बुक्स में भी इसको रख के क्या करोगे? बुक्स में से भी इस बंदे को हटा दोगे ना, कि इससे कभी पैसे नहीं आने वाले। अगर मैं अपनी बुक्स में देखूंगा कि ए से मुझे 1 लाख आने हैं, पड़े रहेंगे बुक्स में 15-20 साल तक, कोई फायदा नहीं है। हमेशा बुक्स हमें अपडेट रखनी होती है। तो हम अपनी बुक्स में से ए का नाम हटा देंगे। कैसे? एंट्री विल बी इररिकवरेबल डेट रिटर्न ऑफ, मतलब इररिकवरेबल जो पैसे नहीं आएंगे, डेट मीन्स डेटर्स जिससे पैसे आने थे, राइट ऑफ मतलब खत्म करना। तो इसकी एंट्री होगी हमारी डेबिट इररिकवरेबल डेट, क्रेडिट रिसीवेबल्स। तो इररिकवरेबल डेट रिटर्न ऑफ डेबिट, क्रेडिट करेंगे हम रिसीवेबल्स। दिस विल बी दी जर्नल एंट्री फॉर इररिकवरेबल बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, इररिकवरेबल डेट रिटर्न ऑफ। तो डेबिट इररिकवरेबल डेट रिटर्न ऑफ, क्रेडिट रिसीवेबल्स। ठीक है, अब ये भी एक तरह से मेरा नुकसान है, दिस इज ऑल्सो माई नुकसान, तो इसीलिए मैं इसको डेबिट कर रहा हूँ इररिकवरेबल डेट। और रिसीवेबल्स मतलब जिससे पैसे आने थे उसका नाम मैं यहाँ लिख दूंगा।
ठीक है। अभी जब तुम धीरे धीरे जर्नल एंट्रीज करोगे, इसको पढ़ोगे डिटेल में, क्वेश्चंस करोगे, तो तुम्हें और एंट्रीज के बारे में क्लैरिटी आएगी। बाकी मैं 11th की, मैंने पहले भी बताया था, 11th की मैं एक वीडियो बनाऊंगा जर्नल चैप्टर की, वो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगी अगर चाहिए तो, वरना दिस इज मोर देन सफिशिएंट। रिकॉर्ड द मूवमेंट ऑफ अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स, इसको मैं अभी स्किप कर देता हूँ क्योंकि ये पूरा चैप्टर है, तो हम वहाँ से करेंगे। अक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट, ये भी पूरा एक चैप्टर है, हम वहाँ से करेंगे, अभी करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक, अब बहुत बच्चे जो 11th में होते हैं वो बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक की कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती, और ACCA में भी बहुत सारे टीचर्स ये बोलते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक की कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती, बट दैट इज रॉन्ग। क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्रीज की होती है डेबिट क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट भी होगा क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट भी होगा क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो होता है हमारा एसेट, और क्रेडिट होता है ट्रेडिंग। अब ये जो एंट्री है, मैं ये एंट्री तुम्हें नहीं समझाऊंगा बिकॉज इसका एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये एंट्री हमें करनी होती है। तो बस तुम ये याद रख लो कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है डेबिट क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट पे जो हम लिखते हैं वो होता है एसेट, क्रेडिट पे जो लिखते हैं वो होता है ट्रेडिंग, ठीक है। दीज आर जर्नल एंट्रीज फॉर ईयर एंड एडजस्टमेंट, दीज आर ईयर एंड एडजस्टमेंट। हम साल के एंड में अपनी कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे क्या होता है ये क्लोजिंग स्टॉक का, प्रैक्टिकली जो भी बिजनेसमैन होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ईयर एंड में इसके बाद बहुत सारा स्टॉक बचा होता है, तो वो स्टॉक हमें बुक्स में दिखाना होता है कि किस वैल्यू पे पड़ा है, तो उस स्टॉक को वी शो इट एज क्लोजिंग स्टॉक, तो वो इसकी जर्नल एंट्री होती है डेबिट क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट क्लोजिंग स्टॉक। अब आता है एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। ऑल दो एक्विजिशन एंड डिस्पोजल की हमारी एक अलग से चैप्टर है पूरा, बट यहां पे मैं एक एंट्री बता देता हूं, यहां रिक्वायर्ड है क्योंकि क्वेश्चन में है इसके। तो एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स मतलब हमने कोई भी नॉन करंट एसेट अगर परचेज करा है, कार परचेज करी है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी डेबिट क्रेडिट। अगर मैंने कार परचेज करी है मतलब कैश दिया है, तो क्रेडिट कर देंगे कैश या बैंक, क्रेडिट कर देंगे बैंक अकाउंट, और डेबिट हो जाएगा हमने क्या परचेज किया है कार, तो कार आ जाएगा या नॉन करंट एसेट, यू से नॉन करंट एसेट। अगर मैंने परचेज करा है नॉन करंट एसेट, दैट मींस मैंने कैश पे किया है, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट और डेबिट कर दूंगा मैं नॉन करंट एसेट। और अगर मैं किसी एसेट को सेल करता हूं, अगर मैं एसेट बेचता हूं तो मेरे पास पैसे आएंगे, तो यानी डेबिट हो जाएगा बैंक, और क्या बेचा था मैंने नॉन करंट एसेट। ठीक है, ये हमारी होती है जर्नल एंट्री। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आइटम, जिसको छोड़ दो, करेक्शन ऑफ एरर, ये भी पूरा हमारा चैप्टर है। तो ये मैंने चार अभी तुम्हें नहीं कराई, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द टाइम बींग। अभी जो तुम्हें सिर्फ लर्न करनी है, जो मैंने एंट्रीज बताई है वो। अब सेल ऑफ एसेट जो मैंने बताया, ये वाली एंट्री, इसमें कुछ एडिशन और है, वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से इसको पॉज करके ये एंट्री सारी लर्न कर लो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब चलो करते हैं आगे। तो ये फॉर्मेट बताया हुआ है जर्नल एंट्री का, डेबिट समथिंग क्रेडिट समथिंग, जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज ऑफ न्यू नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट। अगर मैंने क्रेडिट पे कोई नॉन करंट एसेट परचेज करा है, अगर मैं कोई एसेट परचेज करता हूँ, तो कैश अगर पे करूँगा तो क्या लिखूँगा, क्रेडिट कैश और डेबिट नॉन करंट एसेट। लेकिन अगर मैंने कैश नहीं दिया, मैंने क्रेडिट पे परचेज कराए, तो मैं यहां कैश नहीं लिखूंगा, आई विल राइट पेबल्स। ठीक है, अगर मैंने कैश, अगर मैं एसेट परचेज करता तो मैं कैश पे करता ऑफ कोर्स एसेट, ओ सॉरी सॉरी मैं गलत बोल गया, अगर हम कोई एसेट खरीदेंगे तो डेफिनेटली हम कैश पे करेंगे। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि एसेट खरीदेंगे तो कैश आएगा, तो जब भी हम एसेट खरीदते हैं तो पैसे देते हैं। तो ये सोचो अगर मैं पैसे देता तो जर्नल एंट्री क्या होती, डेबिट नॉन करंट एसेट क्रेडिट कैश,
लेकिन हमने कैश पे किया है? नहीं, हमने उधारी पे परचेज किया है वो। तो उधारी पे परचेज करना मतलब पेबल, विल राइट पेबल एक्सेप्ट कैश, हम कैश की जगह पेबल लिखेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा आगे ये अंडर ये क्वेश्चन है, तो मैं फटाफट से इसके एंट्रीज वैसे ही बता देता हूँ। इगोर रोमनोव रन्स अ रशियन रेस्टोरेंट, ही इज वेरी गुड शेफ बट नॉट क्वाइट सो गुड इन अकाउंटिंग एंड नीड्स हेल्प टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो फर्स्ट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 250 बॉटल्स ऑफ वॉडका एट अ कॉस्ट ऑफ 2750 हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा हुआ, तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री मैंने बताई थी, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, डेबिट क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट सेम क्लोजिंग स्टॉक, और वैल्यू आ जाएगी 2750 2750। दिस विल बी द जर्नल एंट्री। इगोर नीड्स टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन हिज रेस्टोरेंट्स, ही होल्ड्स 25 ईयर लीज विच कॉस्ट हिम 1,50,000 10 ईयर्स अगो। मतलब एक 1,50,000 की 10 साल पहले उसने एक लीज ली थी, ठीक है, और वो लीज उसको पता है कितने साल की है, 25 साल की, 25 साल की लीज है जो उसने ली थी, कितने की, 1.5 लाख की। तो अब सिंपल सी बात है, अगर हम फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलता हूँ डेप्रिसिएशन का एक मेथड होता है, ये उस चैप्टर में हमें करना ही है, बट जल्दी से बताता हूँ। अगर तुमने लेट से एक मोबाइल परचेज किया है 1 लाख का, और मैं ये बोलता हूँ कि इस मोबाइल की लाइफ है 10 साल, कितनी है मोबाइल की लाइफ, 10 साल, या चलो इसको मैं 5 साल कर देता हूं कि मोबाइल की लाइफ कितनी है, 5 साल। तो दैट मींस 1 लाख अगर मैं डिवाइड बाय 5 करूं तो कितना आ जाता है, 20,000। दैट मींस हर साल 20,000 से इसकी वैल्यू गिरेगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जितना भी इसका जो फॉर्मूला होता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट, मैं यहां लिख देता हूं। सो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, ये भी हमने पढ़ना है सारा, इन्होंने एक्चुअली यहाँ थोड़ी गड़बड़ करी हुई है, इन्होंने चैप्टर अलग से बनाया हुआ है, फॉर्मूला अलग से बनाया हुआ है, यहाँ जबरदस्ती का इन्होंने डाल दिया, बट कोई बात नहीं, करना तो है ये। सो कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट, सो कॉस्ट ऑफ एसेट हमारी कितनी है इसमें, 1.5 लाख, लाइफ ऑफ एसेट इज 25 ईयर्स। वो ये बोल रहे हैं कि 10 साल पहले हमने खरीदा था वो छोड़ दो, कितनी इसकी लाइफ है, ही होल्ड्स अ 25 ईयर लीज, ठीक है। तो 25 डिवाइड बाय 1,50,000 अगर मैं करता हूं, सो दिस विल बी 25 5 6, तो 6,000, तो दिस इज 6,000। तो जो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी सेकंड केस में, सेकंड केस में जर्नल एंट्री विल बी डेबिट डेप्रिसिएशन 6,000, क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6,000, ये हमारी हो जाएगी सेकंड में एंट्री। थर्ड, अ रेगुलर कस्टमर वी शैडी मेंटेन्स अ टैब बिहाइंड द बार एंड ही नॉर्मली सेटल द अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग पीरियोडिकली। मतलब हमारा एक कस्टमर था वी शैडी, जो एक खाता हमारे पास बना के रखता था और ओकेजनली अपने पैसे देता था। However, he currently owes 350 and has not been seen for some time. हुआ क्या, उसने $350 हमें देने हैं और काफी दिनों से वो हमें दिखानी है। Igor has given up hope of payment and intends to write off the debt. मतलब Igor यानी कि हमें अब उस पर्सन से कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमें $350 देगा, तो मतलब हमें इसको अपनी बुक्स में से खत्म करना पड़ेगा। तो डेबिट irrecoverable debt written off 350, credit किससे, वी शैडी, क्रेडिट वी शैडी के हमारा नुकसान हो गया 350 का, क्यों, वी शैडी से अब ये पैसे कभी नहीं आने, ठीक है गाइस।
जो भी तुम्हें डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, एंड इफ यू वांट अ स्पेसिफिक इसकी बहुत डिटेल में एंट्री सारी, तो मैं जर्नल एंट्री चैप्टर में तुम्हें बता दूंगा, विच इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड इन ACCA, बट स्टिल इफ यू वांट नॉलेज के लिए तो मुझे बता देना. फोर्थ, ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर इगोर बॉट टू न्यू सोफास फॉर कैश फॉर बार एरिया इन द रेस्टोरेंट. दे कॉस्ट 600 ईच बट द परचेज हैड नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट्स. हमने अपने रेस्टोरेंट के लिए दो सोफेज परचेज किए, दैट मीन्स फिक्स एसेट परचेज किया हमने, और कैश गया होगा तो क्रेडिट मैं कर दूंगा कैश. $600 का एक सोफा है, तो दो सोफे कितने हो गए, 1200. तो डेबिट मैंने बताया था, जब भी मैं कोई फिक्स एसेट परचेज करता हूँ या नॉन करंट एसेट परचेज करता हूँ तो ऊपर नॉन करंट एसेट आता है, यानी कि उसका नाम. तो हमने क्या परचेज किया, न्यू सोफास, तो सोफास को आई कैन राइट फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, के फर्नीचर एंड फिक्सचर्स मैंने परचेज करे हैं 1200 रुपए के, क्रेडिट कैश 1200. ठीक है गाइस, आई थिंक ये सबको समझ आ गया होगा. कोई भी डाउट हो ग्रुप में लिख देना. आई एम यू हैव माई नंबर, या इधर यू कैन टेक माई नंबर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से मुझे तुम मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, मैं वहाँ पे रिवर्ट करके तुम्हें समझा दूंगा और डिटेल में इफ़ यू वांट. अब आता है उसके बाद लेजर अकाउंट एंड डिवीजन ऑफ लेजर. अब ये लेजर मैं तुम्हें अभी नहीं करा रहा, ठीक है. लेजर बेसिकली मैं बस स्टेप्स हैं, स्टेप्स मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया हुआ, एक बार दोबारा बता देता हूँ. लेजर अकाउंट हम करेंगे बाद में, ठीक है. तो स्टेप्स हमारे क्या होते हैं, सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होती है लेमैन, हम उसको प्राइमरी एंड बुक्स में डालते हैं, देन हर एक का बनाते हैं हम लेजर. हर अकाउंट का हम बनाएंगे लेजर, ये मैं बताऊंगा अभी आगे अगले चैप्टर्स में. देन सारे लेजर्स को हम बैलेंस करते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे, तो अभी हमें इस चीज़ पे स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है. ये एक्चुअली चाहते हैं स्टार्टिंग में तुम सारी थ्योरी पढ़ लो, बट आई बिलीव कि थ्योरी पढ़ने से पहले जब हम प्रैक्टिकल चीज़ देख लेते हैं, अगर तुम एक मशीन को चलते हुए देख लो कहाँ कहाँ से क्या क्या उसमें होता है, तो उसकी थ्योरी पढ़नी ईजी रहती है. लेकिन अगर तुम्हें पहले थ्योरी पढ़ाई जाए बिना मशीन को देखे हुए, तो तुम्हें बड़ी कन्फ्यूजन सी हो जाएगी, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि तुमने प्रैक्टिकल आस्पेक्ट उस चीज़ का देखा ही नहीं है. तो पहले प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद तुम्हें स्टेप्स ऑटोमेटिकली पता ही चल जाएगा. जब तुम्हें करने ही स्टेप वाइज क्वेश्चन ऐसे होंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी, तो अभी इस चीज़ पर स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है. अब आता है हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये कि हर ट्रांजैक्शन के मैंने तुम्हें बताया था दो इफेक्ट्स होते हैं, है ना. फॉर एवरी ट्रांजैक्शन देयर इज टू इफेक्ट. कैसे, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, अगर मैं कोई व्हीकल परचेज करता हूँ तो बिजनेस में क्या हुआ है, दिस इज बिजनेस. अगर मैंने कोई कार परचेज की है तो यहाँ पे मेरे पास बिजनेस के अंदर कार आई है और मैंने कैश पे किया है, है ना. कार आई है और मैंने कैश पे किया है. अगर मैंने कार क्रेडिट पे परचेज की है तो कार तो आई है लेकिन कैश नहीं गया, लेकिन एक मेरी लायबिलिटी बढ़ गई कि मुझे कार के पैसे देने हैं, है ना. तो दैट मीन्स देर आर टू इफेक्ट्स ना, कार भी आई और एक मेरी लायबिलिटी भी बढ़ गई. सो फॉर एवरी ट्रांजैक्शन इन बिजनेस देयर आर टू इफेक्ट्स, ठीक है. तो इसमें सारा कुछ ये लिखा हुआ है, ईच ट्रांजैक्शन दैट अ बिजनेस एंटर्स इन टू अफेक्ट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन टू वेज. एग्जाम्पल जो मैंने बताया था, टू फॉलो द रूल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग ईच टाइम अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड बोथ इफेक्ट्स मस्ट बी टेकन इन टू अकाउंट. दीज टू इफेक्ट्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड एज सच द अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज बी मेंटेन्ड. अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है जो मेंटेन हम करते हैं, सो दिस इज आवर अकाउंटिंग इक्वेशन. एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, या मैं तुम्हें बताता हूं इक्विटी, एक सेकेंड मैं थोड़ा आगे लिखता हूं. देखो ध्यान से देखना, इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट. मतलब ये हमारी एक इक्वेशन है जो हमेशा फॉलो करती है और हमेशा ये मैच करेगी. कैसे करेगी, एग्जाम्पल देके करते हैं, एग्जाम्पल से जल्दी समझ आएगा हमें. तो पहला एग्जाम्पल, ओनर जो है उसने बिजनेस में $100,000 इन्वेस्ट किए हैं. ओनर ने
बिजनेस में 1 लाख डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, तो पहला इफेक्ट इस चीज का क्या होगा? फर्स्ट इफेक्ट विल बी कि हमारे पास 1 लाख का कैश आ गया, और कैश क्या होता है? हमारा एसेट। तो 1 लाख का एसेट बढ़ गया, ओनर ने पैसे इन्वेस्ट किए। तो मैंने एक चीज बताई थी, जब भी हम ओनर से पैसे लेते हैं तो वो होती है इक्विटी, और जब किसी बाहर वाले से पैसे लेते हैं तो वो होती है हमारी लायबिलिटी। तो हमारी 1 लाख बढ़ गई इक्विटी, लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, तो ये हमारी होगी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो नई बनेगी, दिस विल बी 1 लाख प्लस 0 इज इक्वल टू 1 लाख। तो पढ़ने वाला क्या बोलेगा, अच्छा ये जो 1 लाख के एसेट्स बिजनेस में हैं, ये सारे पैसे इक्विटी के हैं, यानी ओनर के हैं। दूसरा केस अगर मैं बोलता हूं, जैसे मैंने कार परचेज करी, आई परचेज द कार फॉर 10,000, या इसको 20,000, $20,000 की मैंने कार परचेज करी। तो जब मैं कार परचेज करूंगा, पहली बात तो मेरे पास $20,000 का एसेट आ गया, यानी कार आ गई। दूसरा इफेक्ट, जब मैंने कार परचेज करी तो कैश गया होगा, तो एक तरफ से एसेट आया यानी कार आई, और एक तरफ से कैश चला गया, तो नेट इफेक्ट हमारा सेम वही आ गया, 1 लाख प्लस 0 इज इक्वल टू 1 लाख। कि 20,000 का मेरी कार मेरे पास आ गई और कैश चला गया, ठीक है। अब थर्ड केस अगर मैं बोलूं, जैसे सेम कार परचेज, या कार नहीं, चलो मशीन परचेज ऑन क्रेडिट, मैंने उधारी पे मशीन परचेज करी है फॉर 30,000 की मैंने उधारी पे मशीन परचेज की है। तो मतलब पहली बात तो एसेट में 30,000 की मशीन आई। दूसरा इफेक्ट, कैश तो गया नहीं, लेकिन मैंने उधारी पे परचेज की है, मतलब मेरी 30,000 से एक लोन बढ़ गया कि मुझे 30,000 की लायबिलिटी पे करनी है। सो जो मेरी नई इक्वेशन बनी, दैट इज 1 लाख प्लस 30,000 इज इक्वल टू 1,30,000। ये होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है गाइस, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें लर्न करनी है, वो ये करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तो मैंने तुम्हें सबका इफेक्ट बता दिया, अब इंपॉर्टेंट इफेक्ट, इफ एक्सपेंसेस आर पेड, जैसे सैलरी, रेंट या एनी एक्सपेंस इज पेड, तो इसका पहला इफेक्ट क्या होगा? अब एक्सपेंस पे करेंगे तो एसेट रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, सोचो मैंने सैलरी पे करी है, कोई लायबिलिटी तो नहीं बढ़ी कि मेरे को दोबारा पैसे पे करने हैं, या एसेट भी नहीं बढ़ा, कोई मशीन थोड़ी आई है जो मैंने सैलरी पे करी है, एक महीना उन्होंने काम किया, मैंने एक महीना सैलरी पे कर दी। सो इसका जो इफेक्ट आएगा, कोई भी एक्सपेंस अगर हम पे करते हैं, ध्यान से, इक्विटी विल ऑल्सो रिड्यूस। जब भी मैं कोई एक्सपेंस पे करूंगा तो एसेट भी रिड्यूस होगा और इक्विटी भी रिड्यूस होगी। और दूसरा केस, इफ इनकम इज अर्नड, अगर मैंने कोई इनकम अर्न करी है, जैसे कमीशन, ये सब कोई भी इनकम मैंने अर्न की है, तो पहली बात कैश आया होगा, तो एसेट विल इंक्रीज, कि कैश आया है तो एसेट इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट, इक्विटी में भी हम उसको इंक्रीज कर देंगे। दिस थिंग यू हैव टू लर्न। लॉजिक क्या होता है ये, जब आगे पढ़ोगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस करोगे तो समझ आ जाएगा, बट अभी के लिए तुम्हें लर्न करना है। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, नॉर्मली हर ट्रांजैक्शन का इक्विटी लायबिलिटी एसेट में इफेक्ट दिख जाएगा, लेकिन अगर हमने कोई एक्सपेंस पे करा है तो एसेट भी कम हो जाएगा और इक्विटी कम हो जाएगी, और अगर इनकम अर्न की है तो एसेट बढ़ जाएगा और इक्विटी बढ़ जाएगी। पॉज करके इसको अच्छे से लर्न कर लो, ये लो। अब हम पढ़ते हैं आगे, इसका क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। सो ये हमारा क्वेश्चन है एक,
मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, लेफ्ट साइड पे द क्वेश्चन इज देयर। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा हेडिंग एसेट इज इक्वल टू, या चलो ऐसे करते हैं, इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। एवॉन कमेंस बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख कैश, मतलब एवॉन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो ही इज द ओनर, उसने बिजनेस में कैश डाला है 1 लाख, तो पहली बात तो बिजनेस में 1000 का एसेट इंक्रीज हो गया, कैश आया, प्लस उसकी इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ओनर का पैसा है ये, तो 1000 प्लस 0 इज इक्वल टू 1000, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी होगी 1000 प्लस 0 इज इक्वल टू 1000। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, बॉट मोटर कार फॉर कैश 400, हमने कैश से कार परचेज करी है, तो पहली बात तो हमारे पास कार आई है $400 की, और कैश एसेट होता है तो $400 का कैश चला गया, सो हमारी न्यू इक्वेशन जो बनेगी 1000 प्लस 0 इज 1000। क्लियर है गाइस कि हमने मोटर कार परचेज की थी कैश से, सो कैश कम हो गया, एसेट ही बढ़ गया, एसेट ही कम हो गया, सो नो इफेक्ट। थर्ड पॉइंट, ऑब्टेन अ 1000 लोन, हमने $1000 का लोन लिया, तो अगर मैंने लोन लिया तो पहली बात तो मेरे पास कैश बढ़ जाएगा, जब लोन लेंगे तो कैश आएगा, कैश बढ़ गया, और ये 1000 मुझे पे करने हैं, किसी को रिटर्न करने हैं, तो मेरी 1000 से लायबिलिटी भी बढ़ गई, है ना। लायबिलिटी क्या होता है, पैसा देना, कि हमें आगे जाके किसी को पैसा देना है, सो लायबिलिटी इंक्रीज होगी, सो न्यू इक्वेशन विल बी 1000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 2000। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, मैंने गुड्स यानी स्टॉक परचेज किया है, तो जब मैं स्टॉक परचेज करूंगा तो $300 का स्टॉक आ गया, और माइनस कर दूंगा $300 का स्टॉक चला गया, है ना, $300 का स्टॉक आया, 300 का कैश चला गया, सॉरी, तो अल्टीमेटली इक्वेशन विल बी 1000 प्लस 1000 इज इक्वल टू 2000। अब आता है फिफ्थ पॉइंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से देखना, फिफ्थ पॉइंट, सोल्ड ऑल गुड्स, ऑल ऑफ द गुड्स परचेज्ड ऑन डे 4 फॉर $400 ऑन क्रेडिट। ध्यान से गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें लॉजिकली पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना, लॉजिकली। हमने जो फोर्थ को $300 के गुड्स परचेज करे थे, वो हमने $400 के बेच दिए, जो $300 के गुड्स परचेज किए थे वो हमने $400 के बेच दिए, तो पहली बात मेरा स्टॉक कितने का कम होगा, $300 का, क्योंकि $300 वाले गुड्स बेचे ना मैंने। अगर तुम कार जैसे तुमने एक ग्लास परचेज किया ₹100 का, और तुम उसको बेचते हो ₹150 में, तो तुम ये बोलोगे ना ₹100 का ग्लास मैंने 150 में बेचा है, तो ग्लास ₹100 वाला गया ना, तुम ये तो नहीं बोलोगे ना कि 150 का ग्लास 150 में बेचा है। तो सेम वे जो फोर्थ डे पे मैंने स्टॉक परचेज किया था $300 का, वो मैंने $400 में बेच दिया, तो दैट मीन्स $300 का स्टॉक चला गया, तो स्टॉक 300 से माइनस हो जाएगा। अब 400 जो मैंने गुड्स बेचे थे वो क्रेडिट पे बेचे, इसका मतलब क्या, उधारी पे बेचे, उधारी पे बेचने का मतलब क्या है कि मुझे पैसे आने हैं। तो याद है मैंने टर्म क्या बताई थी फर्स्ट क्लास, फर्स्ट ACCA की चैप्टर नंबर 1 में, दिस इज कॉल्ड डेटर्स, जिनको हम उधारी पे गुड्स बेचते हैं उनसे हमें पैसे आने हैं, और वो भी हमारे एसेट्स होते हैं, तो मतलब $400 के मेरे डेटर्स इंक्रीज हो गए, और यहां पे डेटर्स को बोलते हैं रिसीवेबल्स, $400 के रिसीवेबल इंक्रीज हो गए, तो 300 का मेरा स्टॉक गया और 400 के मेरे रिसीवेबल्स हो गए। अब तुम बोलोगे सर यहां तो गड़बड़ है, यहां तो इफेक्ट हमारा सेम इफेक्ट आया नहीं, ऐसे तो इक्वेशन मैच नहीं करेगी, है ना, कहते ना कुछ तो गड़बड़ है, प्रॉब्लम है। तो मैंने तुम्हारे को एक पॉइंट बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन में, याद है, इफ एक्सपेंसेस आर पेड, जैसे सैलरी ये सब, तो हम एसेट रिड्यूस करेंगे और इक्विटी रिड्यूस करेंगे, अगर इनकम इज अर्नड तो एसेट भी इंक्रीज होगा, इक्विटी भी इंक्रीज, तो इनकम के साथ मैं लिख दूंगा प्रॉफिट,
और एक्सपेंस के साथ मैं लिख दूंगा लॉसेस, कि अगर प्रॉफिट हुआ तो एसेट भी इंक्रीज होगा और इक्विटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब ध्यान से इस सॉल्यूशन में अगर हम देखें, फिफ्थ केस के अंदर हमने जो एसेट्स, हमारा जो स्टॉक था $300 का स्टॉक, हमने 400 में बेचा। दैट मींस एक यहां पे मैंने स्टॉक कम कर दिया 300 से, क्योंकि 300 का स्टॉक चला गया, पैसे आने 400 हैं, और मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ इसमें 100 रुपीस का, तो वो प्रॉफिट मैं इक्विटी में ऐड कर दूंगा 100 का। सो दिस विल बी दिस इज इक्वल टू 2100। दिस इज योर इक्वेशन। तो तुम्हारे को एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, वो तुम्हें कोई एक इक्वेशन दे देंगे, एक लाइन बता देंगे और बोलेंगे बताओ कि आगे एक कौन सी इक्वेशन आएगी, चारों ऑप्शंस में से विच ऑप्शन इज देयर, कौन सी इक्वेशन आएगी। तो तुम्हें ये लॉजिक्स अपने लगा के क्लियर करने हैं। ठीक है गाइस, ये समझ आया सबको। फिफ्थ पॉइंट दोबारा बता देता हूं, अगर हमने सारे गुड्स अपने जो फोर्थ को परचेज किए थे $300 के, वो 400 में बेचे हैं, तो पहली बात स्टॉक हमारा चला गया $300 का, और पैसे हमें आने हैं अब $400, क्योंकि 100 का फायदा है, सो दैट फायदा हमारा इक्विटी में हम ऐड कर देंगे। ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कहीं पे भी हमारा कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ। बिजनेस स्टार्ट हुआ, कोई फायदा थोड़ी हुआ है, वो तो ओनर ने पैसे लगाए हैं। कार परचेज की है, कोई फायदा थोड़ी हुआ है। लोन लिया है, कोई फायदा थोड़ी हुआ है। परचेज करा है गुड्स, कोई फायदा थोड़ी हुआ है, यहां पे फायदा हुआ है। ठीक है गाइस, तो ये हमारी होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। इन्होंने यही सॉल्यूशन बनाया है, बट थोड़ा सा बड़ा करके बनाया है। ये वाली इक्वेशन को तुम स्किप कर देना, इन्होंने ये गलत करी हुई है, ये इक्वेशन को इन्होंने गलत कैरी फॉरवर्ड करा हुआ है। तो ये इक्वेशन आएगी हमारी, उन्होंने वो इक्वेशन गलत कैरी फॉरवर्ड करी हुई थी, इक्वेशन एक्चुअली ये थी। ठीक है गाइस, सो ये हमारा हमारा होता है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके बाद आता है लेजर अकाउंट। लेजर मैंने तुम्हें बताया था कि लेजर में अभी नहीं करा रहा, लेजर में बाद में कराऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में। सो अभी हम इस चैप्टर को सिर्फ इतना ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले तुम इन जर्नल एंट्रीज की, इन सब की प्रिपरेशन कर लो अच्छे से, एग्जाम किट के क्वेश्चंस कर लो। डाउट्स होंगे तो मेरे से प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल के या मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ लेना। आगे फिर मैं तुम्हें इसका लेजर बताऊंगा एंड विल स्टार्ट विद दी नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है गाइस, होप यू ऑल विल हैव गुड डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड प्लीज़ 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 आस्क योर फ्रेंड्स एंड नोन्स टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज वॉट आई एम सींग इज़ फ्रॉम पास्ट सम डेज मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े कम हो रहे हैं, कम इन द सेंस के कम रेट पर इंक्रीज हो रहे हैं, विच इज़ नॉट मोटिवेटिंग मी टू मेक मोर वीडियोज़। मैं सोच रहा हूँ कि मैं F3 डालने के बाद आई स्टार्ट स्टडिंग F2 एंड F2 की वीडियोज़ भी बना दूँ, F4 भी कर दूँ। तो जैसे जैसे मुझे सब्सक्राइबर बेस मिलता रहेगा, आई विल मेक मोर वीडियोज़। तो आई जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज एनकरेज मी टू मेक मोर वीडियोज। दीज आर फ्री वीडियोज फॉर ऑल ऑफ यू, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, आई एम हेयर टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। तो द बेस्ट थिंग आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज ओनली दिस, के काइंडली रेफर ऑल योर फ्रेंड्स के वो अपना ये चैनल, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। एंड फॉर ऑल दी 11th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स, मैं उनको भी बता रहा हूँ कि मैंने 12th की ऑलरेडी काफ़ी चैप्टर्स की वीडियो डाली हुई है, चेंज इन रेशो, डिसोल्यूशन, फंडामेंटल, गुडविल, ये सब डाला हुआ है। आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग टू अपलोड वीडियोज़ फॉर बिजनेस स्टडीज़, अब मैं 12th की बिजनेस स्टडीज़ की वीडियोज़ भी डालनी स्टार्ट करूँगा। ठीक है, बट बात सिर्फ वही है कि आई नीड लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स सो दैट आई गेट एनकरेज टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़। चलो बाय गाइस, टेक केयर।